ये देखिए यहाँ पर मैंने 30 फंदे लिए हैं, 24 फंदे 12 के मल्टीपल्स लिए हैं, प्लस 6 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं, 4 फंदे साइड में डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए और 2 फंदे स्टिच के होंगे और नीचे से बेस देने के लिए 2 रो उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर निकाल ली हैं। आप जो भी चाहें वो नीचे से बॉर्डर बना सकते हैं। उसके बाद देखिए कैसे करेंगे, ये इसकी फर्स्ट रो है और राइट साइड है, स्टिच स्लिप करेंगे, फिर यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, धागा आगे करेंगे, 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4, धागा पीछे, 8 फंदे सीधे बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने देखिए 4 फंदे उल्टे बनाए हैं और 8 फंदे सीधे बनाए हैं। ये हमारा 12 फंदों का पैटर्न है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से इस पैटर्न को रिपीट करेंगे, 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4, धागा पीछे करेंगे, 8 फंदे सीधे बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, धागा आगे करेंगे और 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4, ऐसे सीधा बना लेंगे। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है, सेकंड रो है रॉन्ग साइड। अब देखिए इस रो में हर बार जो फंदे जैसे दिखाई देंगे वैसे ही बना लेंगे, उल्टे फंदे उल्टे और सीधे फंदे सीधे, एसटी स्लिप करेंगे, धागा पीछे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, धागा आगे, 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8, धागा पीछे, लास्ट में 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, स्टिच उल्टा बना लेंगे। थर्ड रो राइट साइड, स्टिच स्लिप करेंगे, फिर देखिए यहाँ पर एक फंदा सीधा बनाएंगे, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे और 2 फंदे सीधे। देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 फंदे हैं, एक उल्टा फंदा और एक सीधा फंदा, इन 2 फंदों को हम लेफ्ट टू राइट ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट टू राइट। तो देखिए चाहे आप इसको ऐसे ही बुन लीजिए, चाहे उतार कर भी आप ट्विस्ट कर सकते हैं। ये देखिए उतार कर ट्विस्ट करेंगे और पीछे का फंदा आगे लाएंगे, इसको इस तरफ को ट्विस्ट करेंगे और दोनों फंदों को सीधा बना लेंगे, 1 2। फिर देखिए 6 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6, और 2 फंदे हम फिर से ट्विस्ट करेंगे, इसको हम राइट टू लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे, एक उल्टा एक सीधा फंदा है, इसको राइट टू लेफ्ट यानी कि यहाँ से इस तरफ को ट्विस्ट करेंगे, बैक लूप से एक फंदा आगे लाएंगे, आगे वाला फंदा पीछे लेकर जाएंगे और दोनों फंदों को सीधा बुन लेंगे, 1 2। यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। इसमें हमने 2 फंदे सीधे बनाए, 2 फंदे हमने ट्विस्ट किए राइट टू लेफ्ट और 6 फंदे सीधे बनाए और 2 फंदे हमने लेफ्ट टू राइट ट्विस्ट किए हैं। फिर से इस पैटर्न को रिपीट करेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे और 2 फंदे हम लेफ्ट टू राइट ट्विस्ट करेंगे, पहले सेकंड फंदा
सीधा बनाएंगे, चाहे आप इस तरह से भी बना सकते हैं, चाहे उतार कर बना लीजिए। बाद में फर्स्ट फंदा आगे की साइड से सीधा बना लेंगे। सिक्स फंदे सीधे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, दो फंदे हम राइट टू लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे। ये देखिए, चाहे आप उतार कर ट्विस्ट कर लीजिए, इस तरफ को ट्विस्ट करेंगे। पहले हम बैक लूप से सेकंड फंदा सीधा बुनेंगे, फिर फ्रंट लूप से फर्स्ट फंदा सीधा बना लेंगे। ये देखिए, अब लास्ट के फोर फंदे सीधे बुन लेंगे, वन टू थ्री, ऐसे सीधा बना लेंगे। ये देखिए, थर्ड रॉ कंप्लीट हो गई है। फोर्थ रॉ है रॉन्ग साइड। इस सारी रॉ को उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रॉ फाइव राइट साइड एसटी स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बना लेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। अब देखिए, वन टू थ्री फोर फंदे उल्टे बनाएंगे धागा पीछे, सिक्स फंदे सीधे बना लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फिर धागा आगे करेंगे और दो फंदे उल्टे, वन टू। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने फोर फंदे उल्टे बनाए, फिर सिक्स फंदे सीधे बनाए हैं और दो फंदे उल्टे बनाए। फिर से इस पैटर्न को रिपीट करेंगे, फोर फंदे उल्टे बनाएंगे, वन टू थ्री फोर, धागा पीछे, सिक्स फंदे सीधे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, वन टू। लास्ट के तीन फंदे उल्टे बना लेंगे, वन टू थ्री, ऐसे सीधा बनाएंगे। रॉ सेवन राइट साइड एसटी स्लिप करेंगे, फिर यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, फोर फंदे सीधे बना लेंगे, वन टू थ्री फोर, फिर से दो फंदे हम लेफ्ट टू राइट ट्विस्ट करेंगे। पहले सेकंड फंदा आगे की तरफ से सीधा बुनेंगे, फिर फर्स्ट फंदा आगे की तरफ से सीधा ही बना लेंगे। अब देखिए, फोर फंदे सीधे, वन टू थ्री फोर, फिर से बैक लूप से पहले सेकंड फंदा सीधा, फिर फ्रंट लूप से फर्स्ट फंदा सीधा बना लेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। इसमें हमने फोर फंदे सीधे बनाए और दो फंदे लेफ्ट टू राइट ट्विस्ट किए और सीधे बुने, फोर फंदे सीधे बनाए, फिर दो फंदे राइट टू लेफ्ट ट्विस्ट किए और सीधे बनाए। फिर से इस पैटर्न को रिपीट करेंगे, फोर फंदे सीधे बना लेंगे, वन टू थ्री फोर, फिर से दो फंदे लेफ्ट टू राइट ट्विस्ट करेंगे, पहले सेकंड फंदा आगे की साइड से सीधा बना लेंगे, फिर फर्स्ट फंदा आगे की साइड से ही सीधा बना लेंगे। फोर फंदे सीधे बुनेंगे, वन टू थ्री फोर, फिर से दो फंदे ट्विस्ट करेंगे, इसको हमने राइट टू लेफ्ट ट्विस्ट करना है। बैक लूप से सेकंड फंदा पहले सीधा बना लेंगे, फिर फर्स्ट फंदा सीधा बनाएंगे। अब लास्ट के फाइव फंदे सीधे बुन लेंगे, वन टू थ्री फोर, ऐसे सीधा बना लेंगे। रॉ नाइन राइट साइड एसटी स्लिप करेंगे। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे और सिक्स फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा आगे, सिक्स फंदे
उल्टे। 1 2 3 4 5 6 धागा पीछे, 4 फंदे सीधे। 1 2 3 4 धागा आगे, 2 फंदे उल्टे। 1 2 यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। इसमें हमने 6 फंदे उल्टे बनाए, 4 फंदे सीधे बनाए, फिर 2 फंदे उल्टे बनाए। फिर से इस पैटर्न को रिपीट करेंगे, 6 फंदे उल्टे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 धागा पीछे, 4 फंदे सीधे। 1 2 3 4 धागा आगे, 2 फंदे उल्टे। 1 2 लास्ट के 5 फंदे, 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 ऐसे सीधा बना लेंगे। रो 11 राइट साइड ST स्लिप करेंगे। अब देखिए यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, 5 फंदे सीधे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 फिर से 2 फंदे लेफ्ट टू राइट ट्विस्ट करेंगे। अब देखिए पहले सेकंड फंदा फ्रंट लूप से सीधा बनाएंगे, फिर फर्स्ट फंदा फ्रंट लूप से सीधा बना लेंगे। अब 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 ये देखिए फिर से 2 फंदे ट्विस्ट करेंगे। अब हमने इसको राइट टू लेफ्ट ट्विस्ट करना है, बैक लूप से सेकंड फंदा सीधा, फिर फ्रंट लूप से फर्स्ट फंदा सीधा बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने 5 फंदे सीधे बनाए, 2 फंदे लेफ्ट टू राइट ट्विस्ट किए और 2 फंदे सीधे, 2 फंदे राइट टू लेफ्ट ट्विस्ट किए हैं। ये देखिए एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से पैटर्न रिपीट करेंगे, 5 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, फिर से 2 फंदे लेफ्ट टू राइट ट्विस्ट करेंगे। सेकंड फंदा पहले फ्रंट लूप से सीधा बुनेंगे, फिर फर्स्ट फंदा फ्रंट लूप से सीधा बना लेंगे। 2 फंदे सीधे, 1 2 अब राइट टू लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे, पहले बैक लूप से सेकंड फंदा सीधा, फिर फ्रंट लूप से फर्स्ट फंदा सीधा बनाएंगे। अब 5 फंदे सीधे बना लेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, लास्ट के 5 फंदे भी सीधे ही बना लेंगे। 1 2 3 4 एसटी सीधा बनाएंगे। रो 13 राइट साइड एसटी स्लिप करेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बना लेंगे। अब बाकी के 6 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। 1 2 धागा आगे, 4 फंदे उल्टे। यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने 6 फंदे 7 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे बनाए हैं। फिर से धागा आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे, लास्ट के 2 3 4 5 6 7 फंदे उल्टे ऐसे सीधा बना लेंगे। रो 15 राइट साइड ऐसे स्लिप करेंगे। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, 6 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 अब देखिए 2 फंदे लेफ्ट टू राइट ट्विस्ट करेंगे, पहले हम सेकंड फंदा सीधा बना लेंगे, फिर फर्स्ट फंदा सीधा बनाएंगे। 2 फंदे राइट टू लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे, पहले हम सेकंड फंदा बैक लूप से सीधा बुनेंगे, फिर फ्रंट लूप से फर्स्ट फंदा सीधा बना लेंगे। अब 2 फंदे सीधे, 1 2
यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। इसमें हमने 6 फंदे सीधे बनाए, 2, 4, 6 और 2 फंदे लेफ्ट टू राइट स्टिच किए सीधे बुने, 2 फंदे राइट टू लेफ्ट स्टिच किए और सीधे बुने और 2 फंदे सीधे बनाए। फिर से पैटर्न रिपीट करेंगे, 6 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर 2 फंदे ट्विस्ट करेंगे, पहले सेकंड फंदा फ्रंट लूप से सीधा, फिर फर्स्ट फंदा फ्रंट लूप से सीधा बनाएंगे। अब बैक लूप से पहले सेकंड फंदा सीधा, फिर फ्रंट लूप से फर्स्ट फंदा सीधा बना लेंगे। 2 फंदे सीधे, 1, 2, लास्ट के 5 फंदे सीधे बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ये देखिए रॉ 16 कंप्लीट हो गई है और हमारा पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही हम इसके 1, 2, 16 और रिपीट करते जाएंगे। फिर से इसे फर्स्ट रॉ से स्टार्ट करेंगे, एस्टी स्लिप करेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे और 1, 2, 3, 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 8 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से इसे रिपीट करेंगे, 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 8 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। धागा आगे, लास्ट में 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, ऐसे सीधा बना लेंगे। ये देखिए फिर से हमारा पैटर्न फर्स्ट रॉ से स्टार्ट हो गया है। ऐसे ही बार बार हम इसकी 1, 2, 16 रॉ रिपीट करते जाएंगे और ये पैटर्न बनकर इस तरह से दिखने लगेगा। ये देखिए इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकती हैं। तो फ्रेंड आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉच माई वीडियो।